नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। नीमच में देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल के क्षेत्र में एक नई सौगात मिलने वाली है। यहां पर ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है इसकी 6 तारीख को इसका मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो है दिग्विजय सिंह जी वो इसका यहां पर आकर लोकार्पण करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में हॉस्पिटल के माधुरी चौरसिया हमसे बात करेंगे क्या कुछ सौगात और किस हॉस्पिटल के पीछे इनकी मंशा क्या है। सबसे पहले जानना चाहूंगा जी, ये हॉस्पिटल की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ इसका उद्देश्य और क्या मकसद है? मैंने जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी हॉस्पिटल का उद्देश्य होता है कि वह लोगों की जो पीड़ित मानवता है, जो तकलीफ से गुजर रही है, उसे किसी प्रकार का रोग है तो वो उसको दूर किया जाए और उसके रोग को दूर करके उसको शांति प्रदान की जाए और उसको एक ओर वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, दूसरी ओर वो है मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, ये हमारा उद्देश्य है। यहाँ हॉस्पिटल की जो शुभारंभ 6 तारीख को लगभग किया जा रहा है, कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे यहाँ पे, कितना स्टाफ रहेगा, क्या कुछ प्लानिंग की गई है? हाँ जी, यहाँ पर 6 स्पेशलिटी हैं जिनमें से गायनिक है, पीडिया है, ऑर्थो है, और सर्जरी है, मेडिसिन है और फिजियोथेरेपी है। ये हमारी 6 स्पेशलिटी हैं। इसके साथ ही हमारे कई डॉक्टर्स जो कि सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनसे टाई अप हो चुका है और वो हर वीक यहाँ पर आएंगे और जो गंभीर प्रकार के जो रोग होते हैं उनका इलाज भी यहाँ पे संभव हो सकेगा। जिस तरीके से इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, एक बहुत अच्छी सौगात नीमच के लिए कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है कि उदयपुर अहमदाबाद में लोग जो जाते हैं तो फाइनेंशियली उनकी स्थिति को दिक्कत आती है। अपना नीमच जो है लगभग ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, उसको लेकर भी क्या कुछ प्लानिंग है, क्या उद्देश्य आपका, उन लोगों के लिए क्या सोचा है आपने? देखिए, ऐसा है, यहाँ हॉस्पिटल चलाने के लिए हमें लगभग यहाँ पे 400-500 लोगों का स्टाफ लगेगा। तो ये तो आप भी जानते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल यदि काम करेगा तो वो मतलब मुफ्त में सेवा इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि उसे एक हॉस्पिटल मैनेज करने के लिए बहुत आर्थिक बर्डन पड़ेगा। लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शोषण यहाँ पर नहीं किया जाएगा। जो मतलब जिस लेवल पर यहाँ पर नीमच में इलाज होता है और जो लोगों की पेइंग मतलब क्षमता है उसी के अनुरूप यहाँ पर इलाज किया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहूँगी कि कई बार लोगों को छोटे छोटे चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अधिक से अधिक लोगों को अच्छे से अच्छा इलाज कर पाएं। मैडम, यहाँ पे देखा जा रहा है कि जैसे कि कितने लोगों को मतलब एक हॉस्पिटल के साथ साथ बताया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा है तो कई लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, तो कितने लोगों को लगभग जो रोज़गार से अवसर जुड़ेंगे उनके? ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा विभिन्न जो पाठ्यक्रम संचालित होते हैं उनमें लगभग 500 का स्टाफ हमारा है जो कि हमारे साथ काम कर रहा है। और इतने बड़े हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए हमारे यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टाफ की ज़रूरत है, उनमें से अधिकांश हमारी नियुक्ति हो गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमारे वेल प्लान्ड और मतलब फुल यूनिफॉर्म में आपने अभी कई स्टाफ के मेम्बर्स से आपने मुलाकात की और हमारे यहाँ पे लगभग 350-400 लोगों का स्टाफ यहाँ पर काम करेगा। जैसा कि बताया जाता है, ज्ञानोदय ऑलरेडी नीमच में बहुत बड़ा एम्पायर है, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ आने का कब सोचा था, कैसे प्लानिंग बनी? एक हॉस्पिटल बहुत बड़ी मतलब नीमच का बोल सकते हैं अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसको लेकर कैसे प्लानिंग बनी आपकी? देखिए, आपने जहाँ तक एम्पायर की बात करी तो मेरा तो यही मानना है कि हमसे जो ईश्वर काम करवा रहा है वो हम कर रहे हैं। हमें शायद ईश्वर ने इस काम के लिए भेजा है कि हम लोगों को शिक्षित करें और शिक्षित करने के साथ में अब हमारी मंशा उनको स्वास्थ्य प्रदान करने की भी है। इसका विचार हमारे यहाँ मन में सबसे पहले इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की स्थापना कुछ साल पहले की थी। तो हम मतलब हर हॉस्पिटल मतलब हर नर्सिंग कॉलेज को एक हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है जहाँ वे अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिलवा सके। तो इस मंशा को लेकर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, लेकिन मात्र यही मकसद नहीं है कि हमारे बच्चे ट्रेंड होंगे। हमारा मकसद ये भी है कि क्षेत्र में हम कुछ ऐसा करें जिसकी इस क्षेत्र को आवश्यकता है। 6 तारीख को इसका शुभारंभ किया जा रहा है, शुभारंभ के अवसर पर कौन कौन नेता है जो आने वाले हैं और किस प्रकार से इसका शुभारंभ किया जाएगा? हमारे जो 6 तारीख को जो हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा है उसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी हमारे बीच आ रहे हैं, वो इस हॉस्पिटल को लोकार्पित करेंगे। इसी के साथ में हमारे क्षेत्र के सांसद माननीय श्री सुधीर जी गुप्ता जी आ रहे हैं और हमारे पूर्व सांसद जो कि दिल्ली से 5 बार सांसद रहे हैं चांदनी चौक एरिया से, जेपी अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं और हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय दिलीप सिंह जी परिहार
और धार के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष माननीय श्री मुजीफ जी कुरैशी भी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। इसी के साथ में हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगणों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर जो विभिन्न चिकित्सकों को आमंत्रित किया गया है और यहाँ पर जनप्रतिनिधि के साथ में समाज से भी लोग भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। पूरे शहर की जनता को इंतज़ार है कि हम जो हॉस्पिटल है उसका लोकार्पण हो और यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हो, तो जन सामान्य भी इस हॉस्पिटल के उद्घाटन में जुड़ेगा, मुझे ऐसी पूरी आशा है। ये थी हमारे साथ में माधुरी चोर से, बता दिया आपको कि मल्टी स्पेशलिस्ट ज्ञानोदय जो हॉस्पिटल है उसका शुभारंभ 6 तारीख को यहाँ किया जा रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हैं दिग्विजय सिंह जी, वो भी यहाँ आने वाले हैं और 6 तारीख को इस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया जाएगा। और कुछ जानकारी जानना चाहेंगे हम आपसे? इस हॉस्पिटल का शुभारंभ 6 तारीख को हो जाएगा, लेकिन जो इसकी जो नियमित सेवाएं हैं वो 15 मार्च से शुरू होंगी, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में मतलब हम लोग को जो फुल फैसिलिटी प्रदान करने के लिए 10 दिन का वक्त और लगेगा। जैसा कि बता दें कि 6 तारीख को शुभारंभ होगा, लेकिन 15 तारीख से ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है यहाँ पर जिले के जो मरीज हैं उन्हें उपचार मिलेगा और बेहतर चिकित्सा देने का दावा यहाँ पर माधुरी चौरसिया ने करा है। यहाँ बता दें आपको कि वेल फर्निश्ड हर तरीके से अटेंडर से लगा के यहाँ पर जो मरीज जो आते हैं उनके उपचार की बेहतर से बेहतर व्यवस्था, बेहतर स्टाफ और बेहतर डॉक्टर की फैसिलिटी उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है। कि देखना होगा आगामी दिनों में ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा है, जिले वासियों को एक बड़ी सौगात मिल रही है और यहाँ पर पूरी तरीके से हर चीज का ध्यान में रखते हुए लोगों को उदयपुर अहमदाबाद नहीं जाना पड़े, इसको लेकर बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास किया जा रहा है। और नीमच जिले को 6 मार्च को बड़ी सौगात मिलने वाली है और 15 मार्च से यहां पर बेहतर से बेहतर उपचार देने का प्रयास ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल द्वारा किया जाएगा।